दोस्तों आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं, मेंटेनेंस केस को लेकर। कई बार क्या कहते हैं कि साहब पति तो कमाता 20,000, पत्नी मांग रही है 50,000 रुपये, ठीक है, इनकम पति की बता रही है 2,00,000 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में पति लोग डर जाते हैं कि साहब अब क्या करें। जी हाँ, बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इस टॉपिक पे जो ये सवाल बार बार आते रहते हैं, कमेंट में लोग पूछते रहते हैं, तो आज का इसका सवाल का पूरा डिटेल में वीडियो में देने वाला जवाब हूँ। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि जब भी आपका इनकम का जो होता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब मेंटेनेंस की बात आ जाती है तो वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। जी हाँ, पति की इनकम क्या है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैं एक चीज़ और सवाल आपको बता देता हूँ कि पत्नी जो पिटिशन लगा रही है मेंटेनेंस की, ठीक है, चाहे वो CRPC 125 हो, चाहे वो DB केस हो, उसमें और आपकी अर्निंग बताई जा रही है कहीं सारी ज़्यादा, तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्यों? देखिए उस वह एक तरह से रिस्क होता है, कहते हैं रिस्क, हाई रिस्क एक तरह से, कि बाय चांस मान लीजिए कि पति नोटिस तो ले लेता है लेकिन नहीं आ रहा कोर्ट में कभी, तो उसको एक्स पार्टी का फायदा मिल जाता है वहाँ। फिर क्या करते हैं कि जब पति जा ही नहीं रहा बिल्कुल ही, और फिर वो क्या करते हैं, जज साहब उनके विचार दिन जो पिटीशन में लिखा गया था वाइफ के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मेंटेनेंस बना दिया जाता है, एक तरफा ऑर्डर पारित कर दिया जाता है। देखिए आपको डरना नहीं कि आपकी पत्नी 50,00,000 बता रही है, 2,00,000 बता रही है, कितना बता रही है आपकी अर्निंग। देखिए एक्चुअली अर्निंग है, जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या लिमिटेड कंपनी में हो, 16 नंबर फॉर्म रहता है, आपकी सैलरी स्लिप होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपका RTI आता है, RTI सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है आपका, ये चीज़ होती है आपकी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सिंपली देना है। अब आपकी साइड में इनकम क्या है, क्या नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, वो सब डिटेल आपकी पत्नी का काम है, वो ढूंढ के लेके आएगी, तो आपको डरना है नहीं। आप तो एक्चुअली में जो कमा रहे हैं, अगर आपकी पत्नी ला के दे रही है वापस से अलग से, तो बन जाएगा, नहीं तो आपका जो मेंटेनेंस बनेगा वो आपका जो एक्चुअल में अर्निंग है उसी से बनेगा, चाहे वो आपकी RTI हो, चाहे वो आपका सैलरी स्लिप हो, चाहे उसी के बेस इनकम एफिडेविट में आपको ये चीज़ रखना है, साइड इनकम वगैरह आपको कुछ भी नहीं शो करना है। ये काम आपकी पत्नी का है, वह खुद निकाल के ले आएगी भाई आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने घर है, कितने साइड बिजनेस चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, ये सब डिटेल आपकी पत्नी का काम है देने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो डरते रहते हैं लोग कि साहब मेरी पत्नी इतना बता रही है उतना बता रही है, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।